नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सालवी स्टूडियोस पर। दोस्तों, इस दुनिया में मर्द और औरत के अलावा तीसरी चीज भी मौजूद है, जिसे आम तौर पर खुसरा, हिंजड़ा या किन्नर के नाम से जाना जाता है। आपने इन्हें अक्सर शादी ब्याह में नाचते हुए देखा होगा। इसके अलावा आजकल ये ट्रैफिक सिग्नल्स, रेल और दूसरी जगह भीख मांगते हुए भी नजर आते हैं। दोस्तों, मुगल काल में इनकी बहुत इज्जत की जाती थी, लेकिन समय के साथ ये गली गली नाचने वाले बन गए और लोग इन्हें हिकारत की नजर से देखने लगे। घृणा और नफरत के बावजूद पाकिस्तान में भी ऐसे किन्नर हैं जो ना सिर्फ खूबसूरत है, बाकी उन्होंने अपने आप को इतना मेंटेन किया हुआ है कि इन्हें देखकर पहली नजर में आप धोखा खा जाओगे कि ये लड़की है या किन्नर। ये अपनी खूबसूरती में बहुत सी लड़कियों को भी पीछे छोड़ते हैं, और इसीलिए हमारी आज की वीडियो में पाकिस्तान के कुछ ऐसे सुंदर और हसीन किन्नरों के बारे में बताया जाएगा जिन्हें देखकर आप खुद धोखा खा जाओगे। दोस्तों, नंबर 5 पर जो किन्नर है उसका नाम है रिमल अली शाह। लोग इनको प्यार से छोटी रिमल अली भी कहते हैं। इनका ताल्लुक पाकिस्तानी पंजाब के फैसलाबाद से है, लेकिन ये ज्यादातर लाहौर में ही रहती है। ये एक स्टेज डांसर है। इसके अलावा ये शादियों और पार्टियों में डांस किया करती है। ये बचपन से ही एक किन्नर थी, लेकिन शोहरत हासिल करने के बाद इन्होंने ऑपरेशन करवा लिया और इसके बाद ये अब एक लड़की की तरह जिंदगी गुजारती है। शुरुआत में इन्हें कोई नहीं जानता था, तब इन्होंने शादियों की वीडियोस को प्रोड्यूस करने वाले बड़े बड़े यूट्यूबर्स चैनल के साथ काम किया और इन्हें उन वीडियोस को यूट्यूब पर अपलोड किया, और ये रातों रात शोहरत की बुलंदियों तक पहुंच गई। दोस्तों, नंबर 4 पर जो किन्नर है उनका नाम है परी पारो मलिक। परी पारो मलिक पाकिस्तान की एक मशहूर स्टेज डांसर है। ये बहुत ही स्मार्ट और खूबसूरत किन्नर है। बचपन में इन्हें किन्नर होने की वजह से बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा और घर वाले भी इनसे बहुत तंग थे, जिसके बाद 2014 में इन्होंने किन्नरों के एक समूह को ज्वाइन कर लिया। उस वक्त इन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया पारो मलिक की पहचान बनती गई। पहचान उनकी खूबसूरती और उनका डांस था। पारो मलिक का शुमार पाकिस्तान की टॉप डांसर्स में होता है। इनकी फैन फॉलोइंग में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा था और इनके चाहने वाले इन्हें प्यार से परी बुलाते हैं। और आपको बताते चले कि ये एक फंक्शन या प्रोग्राम का 50,000 से 1.5 लाख रुपया चार्ज करती है, और इस खूबसूरत किन्नर की उम्र इस वक्त 27 साल है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर जो किन्नर है उनका नाम है चाहत बलोच। इस हसीन किन्नर का असल नाम इमराना है, लेकिन लोग इन्हें ज्यादातर चाहत बलोच के नाम से जानते हैं। ये पाकिस्तानी पंजाब के इलाके रहीम यार खान से है, लेकिन ये इस वक्त फैसलाबाद में रहती है। इनका संबंध एक बहुत गरीब परिवार से था और इनके पिता एक मजदूर थे जिन्हें टाइफाइड बुखार हुआ और वो अपनी दोनों टांगे गवा बैठे। तब चाहत बलोच बहुत छोटी थी और इन्होंने बचपन से ही काफी परेशानियों का सामना किया था। जब ये बड़ी हुई तो घर की सारी जिम्मेदारियां चाहत बलोच के सर आ गई और 2007 में इन्होंने किन्नरों के एक गिरोह को ज्वाइन कर लिया और फिर छोटे मोटे फंक्शन में डांस करके अपने घर वालों का पेट पालती थी। चाहत बलोच की 4 बहनें और 3 भाई हैं, जिनकी पढ़ाई की जिम्मेदारियां भी इन्हीं के ऊपर है, और स्टेज की फील्ड में चाहत बलोच को 10 साल गुजर चुके हैं। इन्होंने काफी मेहनत की और काफी मुश्किलों का भी सामना किया, लेकिन आखिरकार किस्मत इन पर मेहरबान हो गई। एक इंटरव्यू में इनका कहना था कि बचपन में वो गरीबी की वजह से शिक्षा हासिल नहीं कर सकी, अगर वो पढ़ी लिखी होती तो इस फील्ड में कभी ना आती। इस वक्त इस हसीन तरीन किन्नर के लाखों दीवाने हैं जो इनसे दोस्ती करना चाहते हैं। आज चाहत बलोच पाकिस्तान के सबसे हसीन और अच्छे डांसर्स में से है, और ये भी अपने एक प्रोग्राम का 1 लाख से 3 लाख रुपए चार्ज लेती है। इसके अलावा ये मॉडलिंग भी करती है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर जो किन्नर है उनका नाम है रिमल अली। रिमल अली को कौन नहीं जानता, ये पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत किन्नरों में से एक है, लेकिन अब ये पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर आ चुकी है।
रीमा लाली इस वक्त पाकिस्तान की टॉप मॉडल डांसर और एक्ट्रेस है। ये इतनी खूबसूरत है कि इनके सामने खूबसूरत लड़कियां भी फीकी पड़ जाती है। दोस्तों, रीमा लाली का संबंध एक अच्छे और अमीर घराने से था। इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्राफिक डिजाइन में उच्च शिक्षा हासिल की, लेकिन इन्हें बचपन से ही मॉडलिंग और डांस का शौक था, जिसे पूरा करने के लिए इन्होंने पढ़ाई को छोड़ा और एक डांस एकेडमी में दाखिला ले लिया और साथ ही साथ मॉडलिंग भी करती रही। मॉडलिंग में 9 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये आखिरकार 2017 में सोशल मीडिया की जीनत बन गई और शोहरत की बुलंदियों को छू लिया। ये एक अकेली किन्नर है जिन्हें उनकी खूबसूरती की वजह से 2018 में रिलीज 7 दिन मोहब्बत के फिल्म में आइटम सॉन्ग करने का भी मौका मिल गया। रीमा लाली का संबंध लाहौर से है, लेकिन अभी ये दुबई में रहती है और ये सबसे सुंदर और हसीन किन्नरों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। दोस्तों, पहले नंबर पर जो किन्नर है उसका नाम है उर्वा खान। ये इस समय पाकिस्तान की सबसे हसीन, दिलकश और खूबसूरत किन्नर है। ये पाकिस्तान की रावलपिंडी के गुजर खान की रहने वाली है। ये इलाका इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बहुत ही करीब है। दोस्तों, उर्वा खान एक लड़के की सूरत में पैदा हुई थी, लेकिन वक्त गुजरने पर इनका शरीर प्राकृतिक रूप से बदलता गया। जब ये 12 या 13 साल की हुई तो इन्हें एहसास हुआ कि ये लड़का नहीं बल्कि एक किन्नर है। 2014 या 15 के दौरान इन्होंने किन्नरों का एक ग्रुप ज्वाइन कर लिया। तब ये बहुत कम उम्र की थी और इन्हें कोई नहीं जानता था, मगर 2019 और 20 के दौरान ये खूबसूरत चेहरा निखर कर सामने आया और सोशल मीडिया पर फैल गया और इस वक्त इनकी शोहरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इनके लाखों चाहने वाले जो इन्हें खूबसूरत लड़की समझते हैं, लेकिन ये असल में एक किन्नर है। लोग इन्हें गूगल और यूट्यूब पर पागलों की तरह सर्च करते फिर रहे हैं और हजारों दीवाने में ऐसे हैं जो इन्हें कीमती तोहफे देना चाहते हैं और अपना बनाना चाहते हैं। उर्वा खान इतनी हसीन और सुंदर है कि जिनके सामने खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियां भी फीकी पड़ जाती है। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तान के इस समय के सबसे हसीन और सुंदर किन्नर, जिनका हमने आज के इस वीडियो में जिक्र किया। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा किन्नर सबसे सुंदर लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपसे फिर से मिलेंगे, इसके लिए धन्यवाद।